आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, BTS न्यूज देख रहे हैं और आप और तस्वीरें हैं बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय की। और आस्था का महापर्व छठ इस समय बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जा रहा है और तस्वीरें हम आपको गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न जगहों की दिखा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। छठ पर्व श्रद्धा का पर्व है, इसमें कोई सुधारने की बात तो नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ सरकारी संस्थान में हिसाब बंदी कर दिया गया है, खासकर मेरे घाट पर जो सदियों का है, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिलाधिकारी के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया, सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। क्या नाम बोले थे सर अपना? शंकर कुमार। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। और सर, ये आस्था का महापर्व छठ जो मनाते हैं, इसके बारे में कुछ विशेषताएं जो भी है उसको वो बताइए। बहुत पुराने समय से हमारे माता पिता और पूर्वज जो भी मनाते आ रहे हैं उसी के अनुसार हम लोग भी मना रहे हैं। और ये पवित्र पर्व आस्था का पर्व है, इसमें जो लोग सूर्य भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं वह पूरा होता है। लेकिन इसमें कहना मेरा एक बात है कि न तो प्रखंड पदाधिकारी के तरफ से और न ही अंचल पदाधिकारी की तरफ से घाट पर कोई भी व्यवस्था है, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर घाट पर नहीं है, घाट पे नहीं किया गया है। यह हम शिकायत के रूप में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। सर आपका? सतीश कुमार। सर, ये छठ पर्व जो मनाया जाता है, जो बिहार का महापर्व है, इसके विशेषता के बारे में कुछ बताइए। इसका बहुत विशेषता है, जैसे
बोलिए सर। रिश्ता इसका बहुत है, हम लोग पूरा विश्वास के साथ यहाँ छठ मनाते हैं। विश्वास के साथ मनाते हैं, सारी मान्यता है छठ करने से पूरी हो जाती है। और कुछ कहना है सर? और सर आप, ये एक लोक आस्था का पर्व है हम लोगों का, ये आज नहीं परंपरा से भी बहुत पहले से भी छठ मनाया जा रहा है। और इसमें जो आस्था आदमी की रहती है कि जो हम मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके चलते और भी इसका विस्तार हो रहा है। अब ये हर राज्य में भी मनाया जा रहा है, पहले ये बिहार में विशेष मनाया जाता था, अब इसकी मान्यता इतनी बढ़ गई है कि ये हर राज्य में मनाया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये अपने पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। और इसकी पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। समय भी चालू हो गया है। और इसकी जो होती है 36 घंटा का निर्जला उपवास जो करती हैं महिलाएं, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है कि इनकी सारी आस्थाएं पूरी हो जाती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। अरविंद और सर, ये लोक आस्था का महापर्व छठ, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व छठ है और ये पर्व जो है खास करके बिहार में सदियों से आ रहा है ना। और ऐसा देखा गया है कि छठ पर्व के वजह से यहाँ पर एक जो प्रकाश भगत है जिसको पोता हुआ, वह जो है 140 बोनिया जो है 140 सूप जो है यहाँ पर चढ़ा करके भगवान भास्कर को प्रदान कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पर्व जो है उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह सूर्य की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूर्य की है और उगते हुए सूर्य का। चलिए सर, आपका नाम? जी, रमेश कुमार भारती। रमेश कुमार भारती, सर छठ महापर्व के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। ये पर्व तो खास करके बिहार और यूपी में आस्था के साथ मनाता। और सर इसकी विशेषता के बारे में कुछ कहिए। लेकिन इस विशेषता है कि ये को भी अपना। सर आपका नाम? सुरेंद्र मेहता जी। सर ये छठ छठ जो मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए। बहुत बड़ी विशेषता है, इसका उल्लेख हम कितना भी करें तो वह कम ही होगा। इस छठ मैया के आशीर्वाद से बहुत को संतान उत्पन्न हुआ है और इनके आशा और कल्प से किसी का जीर्णोद्धार हुआ है। यह छठ मैया अपरंपार है, इनकी भी अनुकंपा से अनुकृपा से लोगों का घर धन धान हुआ है, इसलिए